गाइस हाउ आर यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, इन द सेंस कि मैं कुछ सीख रही हूँ। मैंने ना अभी ये लिपन आर्ट जो है वो मैं काफ़ी देख रही थी यूट्यूब पे एंड मुझे बहुत मन किया बनाने का, तो मैं ये ले आई कार्डबोर्ड। ये आपको इजीली स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। तो ये MDF बोर्ड के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली जो कार्डबोर्ड होता है वो यूज़ कर रही हूँ। 10 रुपये में मिल जाएगा आपको इजीली। तो इस तरह से स्क्वायर शेप का एक कार्डबोर्ड मैंने लिया था, और यहाँ पर मैंने ना मीशो से काफ़ी टाइम पहले इस तरह से मिरर वाले जो स्टोन्स होते हैं, क्या कहते हैं इसे, आई डोंट नो, तो मैं स्टोन कह रही हूँ, स्टोन मैंने मंगवाए हुए थे। अलग अलग शेप में आते हैं ये, और ये है मोल्डेड क्ले। तो इस क्ले के हेल्प से आप बना सकते हो। इसमें इस तरह के 2 पैकेट होता है, एक इस तरीके का क्ले होता है जो थोड़ा सा ग्रेइश कलर पे होता है, और एक वाइट कलर का होता है। आई डोंट नो कि इसका एक्चुअल में नाम क्या है, बट मोल्डेड क्ले अगर आप बोलेंगे तो स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा ईजीली। ये दोनों क्ले को आपस में मिक्स करना होता है, और मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था इस क्ले को मिक्स करते वक्त ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि काफ़ी दिनों से मैंने इसे लेकर के रखा हुआ था और वैसे ही था, तो जो वाइट वाला पोर्शन था ना वो काफ़ी हार्ड हो गया था, इवन मेरे हाथों में चुभ भी रहा था। तो अगर आप कभी भी बनाने का सोचें तो इंस्टेंटली आप शॉप से लाए एंड देन तुरंत उसे यूज़ करें। बहुत दिनों तक अगर आप रखेंगे ना, मैंने 2 महीने तक रखा था, तो इस वजह से शायद वैसा हो गया, आई डोंट नो। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है, एक वाइट कलर का थिक सा बनेगा। उसके बाद आपको इस तरीके से जो है वो एक लड़ी बना लो एंड उसको आप फेविकॉल की हेल्प से चिपका सकते हो। और इसमें मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग किया है स्केल की हेल्प से। फिर मैं इसमें थोड़ा सा लीफ पैटर्न में बनाऊंगी। आपको पता होगा कि जो कौड़ी होती है ना, उस टाइप का मैं इसको शेप देना चाहती हूँ। तो मैंने कहीं पर देखा था और मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, शायद मैंने किसी YouTube वीडियो पे ही देखा होगा। और यहाँ पे जो छोटे वाले कैची का पकड़ने वाला हिस्सा होता है, वहाँ से मैंने इसको जो है वो एक कौड़ी का शेप दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर जो है वाइट कलर, उससे पूरा बेस कोट बना दूंगी। मतलब मैं सारे जो पूरा मेरा वर्क है उसके ऊपर वाइट कलर से पेंट करूँगी। तो यहाँ पे वाइट कलर से अगर आप पेंट करेंगे ना, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि बाद में आप कोई भी कलर उसमें जब ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छे से उभर के और खिल के दिखेगा। तो बहुत अच्छे से आपको करना होता है, क्योंकि गैप्स वगैरह जो है वो दिखते रहते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। तो काफ़ी पेशेंस के साथ आपको करना है। वीडियो थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हो वाइट कलर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड देन इसमें मैं येलो कलर करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये कलर अवेलेबल थे जो कि मैंने किसी और रीज़न से लाए थे, तो मैं यहाँ पे येलो कलर कर रही हूँ। और बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि फिर वो वाइट कलर में हो जाएगा जहाँ पे आपको नहीं करना है, फिर आपको वाइट कलर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ। एंड जब आप एक्रेलिक कलर लगाओगे ना, तो उसी टाइम पे उसी में अगर आप स्टोन लगाते जाओगे साथ ही साथ, तो वो इजीली चिपक जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक फेविकॉल की तरह कुछ तो होता है कि वो बहुत ही इजीली चिपक जाता है स्टोन्स। तो मैंने क्या किया था कि मैंने अलग से फेविकॉल की हेल्प से नहीं चिपकाया था, मैंने कलर से ही उसको अच्छे से चिपका दिया। और ये बन के हमारा जो है वो आप देख सकते हो वर्क रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक इट, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।